छोटी सी याद रखनी है, हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ा था, वेरिफिकेशन पढ़ा था हमने रिलेशनशिप का, हमने जब पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कंसीडर किया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो, वहां पे जनरल इक्वेशन थी, ठीक है, जनरल फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहां इस केस में अगर मैं देख रहा था अल्फा और बीटा क्या होते थे, इसके जीरोस होते थे, अल्फा एंड बीटा आर टू जीरो। अब टू जीरो क्यों लिए हमने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो में कितना है, दो आएंगे। तो अगर मैं वहां सबसे पहला फॉर्मूला चेक करूं तो वो क्या होता था, सम ऑफ जीरोस होता था, और सम ऑफ जीरोस को कैसे देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से देखते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। और अगर मैं देखू इसका रिलेशनशिप कोफिशियंट के साथ, तो कोफिशियंट के साथ क्या आने वाला होता है, माइनस कोफिशियंट ऑफ किसका, एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो बात होगी मेरी क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ द जीरो की। ऐसे यहां पे प्रोडक्ट हम देखते थे अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट के केस में क्या होता था, सी अपॉन ए, और सी अपॉन को क्या लिखते हैं, सी क्या होती थी, कॉन्स्टेंट टर्म, ये क्या हो जाती थी हमारी कॉन्स्टेंट टर्म, और कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे फिर से क्या आ जाता था वहां पे, कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा ये चीज क्या है, हमारी प्रोडक्ट है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि जीरोस दो ही होते थे, इसलिए वहां पर सम और प्रोडक्ट एक ही बार में निकल जाता था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। लेकिन जब हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे, फोर क्यूबिक इक्वेशन, ये फॉर्मूला है जो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा, फोर क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैं कंसीडर करूंगा एक जनरल इक्वेशन, क्या होगी, जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, ये होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या हो जाती है, जनरल फॉर्म हो जाती है क्यूबिक इक्वेशन के लिए। अब जब ये क्यूबिक इक्वेशन मेरे पास आ गई, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पर तीन ही क्या होंगे मेरे पास, जीरो होंगे। तो लेट अस कंसीडर दैट अल्फा बीटा एंड गामा, कौन कौन से, अल्फा बीटा एंड गामा आर द या आर थ्री जीरो, क्या हो गए हमारे पास, थ्री जीरोस हो गए हैं, क्योंकि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या करने वाले हैं, तीन जीरोस कंसीडर करने वाले हैं। अब बारी बारी से वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जैसे हमने क्वाड्रेटिक में देखा था, क्या सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दो फॉर्मूले थे सेम रहने वाले हैं। तो पहला मेरे पास हो गया सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस को कैसे देखने वाला हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि किसके इक्वल आने वाला है, ये इक्वल आएगा माइनस बी अपॉन ए, सेम चीजें बिल्कुल वही जो क्वाड्रेटिक में थी। अब कोफिशियंट के साथ क्या रिलेशनशिप आने वाला, देखो कोफिशियंट के साथ क्या रिलेशनशिप आएगा, कोफिशियंट ऑफ बी क्या है, ये देखो आप बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ना, और क्वाड्रेटिक में किसका होता था, एक्स का होता था, यहां चेंजेस आएंगे। तो माइनस का फॉर्मूले का कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए, इसका कोफिशियंट रहेगा यहां पे ए हो जाएगा एक्स क्यूब का, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ये मेरे पास रहेगी। सेकंड जो हमारे पास आने वाला है वो आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यहां पर ये एक एडिशनल आ जाता है क्यूबिक इक्वेशन के लिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है जो हमारे पास ये जीरोस थे अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का सेपरेट पहले दो दो का क्या कर लो, प्रोडक्ट कर लो, तो अल्फा बीटा हो गया, फिर प्लस बीटा गामा हो गया, और प्लस गामा अल्फा हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, सम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां पर ये रिलेशनशिप आ जाता है जो कि किसके इक्वल आने वाला है हमारा, ये आ जाएगा सी अपॉन ए के इक्वल। अब जो सी अपॉन ए है वो क्या आने वाला है, देखो सी क्या है, सी है कोफिशियंट ऑफ एक्स है, और डिवाइड बाय ए, यानी कि कोफिशियंट ऑफ किसका आ गया, एक्स क्यूब आ गया, एक ये रिलेशनशिप होगा। तीसरा जो इसमें आ जाता है लास्ट वो होता है सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, नॉर्मली क्या आने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में सीधा सीधा क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सिंपली हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। अब बताओ डी क्या है इसमें, डी है कॉन्स्टेंट टर्म, तो क्या आ जाएगी मेरे पास यहां पे, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ, क्योंकि ए से डिवाइड हो रहा है, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये तीन रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशियंट के बीच में। सबसे पहली बारी के लिए क्या करेंगे, माइनस बी अपॉन ए को इक्वल रखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब।
दूसरे को सी अपॉन ए को हम लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ पर लास्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी अपॉन ए होता है कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। इन तीन रिलेशनशिप को हम फॉलो करेंगे और इन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा जाएगा।